साथियों, 2000 साल पहले का ये महल जो आप देख रहे हो बिल्कुल पूरा लकड़ी से बना है, ना कि पत्थर से, और एक भी लोहे की कील यूज नहीं की है। आइए जानते हैं गांव के लोगों से। 250 से 300 साल पुराना ये महल जी, और अपना ये हमारे शमशेर चंद जी थे जिन्होंने बनाया है, और ये पूरा जो है महल देवदार की लकड़ी से बना हुआ है जी। आप अंदर से देखेंगे तो अंदर से पूरा ओपन है, और जापनीज थे, उन्होंने इस महल के बारे में एक बुक भी लिखी हुई है। इसको लिखा है कि 10 महलों में से बेस्ट कार्विंग, जो आपका हाथ की जो नक्काशी होती है जी, सबसे बेस्ट नक्काशी बोला गया है इसमें अंदर से। और ये है इसमें महल के बारे में, जो थो के राजा थे उनके 18 पैलेस थे ऐसे ऐसे, उनमें से एक ही है। अब हर किसी को अंदर जाने की एंट्री वगैरह है? नहीं, हम अलाउ नहीं करते, सबको अलाउ नहीं करते अंदर। अच्छा, लिमिटेड लोग ही अंदर जा सकते हैं? लिमिटेड लोग। अच्छा, अंदर जाने की कोई प्रचलित वजह होगी जिसकी वजह से उनको रोका जाता है, या फिर इसमें देवी देवता का स्थान है ऊपर? अच्छा, अपना बेस्ट देवी देवता जो आप देख रहे हो सबसे ऊपर है वो मंदिर है, देवता का स्थान है, इसकी वजह से हम अंदर नहीं जाने देते। अच्छा, इसके आगे ये जो सिंह बरसिंगा के लगाए गए हैं पुराने हिरण के जो होते थे, अपना बारासिंगा के जो होते थे पुराने, वो हैं। अच्छा, और इसके अलावा जैसे अभी देखते हैं तो बाहर से तो एकदम भयानक लगता है, तो ऐसा अभी क्या है कि बाहर जब 300 साल पुराना हो गया है, लकड़ी तो जब अपना बारिश में भीगती तो थोड़ा खराब हो ही जाता है, और लकड़ी के घरों को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है अभी। अंदर से कैसा है? ओपन है, बाहर से ऐसे, एक्चुअली क्या होता था कि बाहर से ऐसे बनाया युद्ध की वजह से, तो अंदर से चारों साइड से ओपन है, बिल्कुल ओपन है। अच्छा, ये 5 मंजिल का है। 5 मंजिल का? हाँ, ये अंदर से बिल्कुल ओपन है। अच्छा, अंडरग्राउंड भी होगा इसका? नहीं, अंडरग्राउंड नहीं है। कहने का मतलब ये आ गया कि आज का जो आधुनिकता है उसके आगे, मतलब जो ये आधुनिकता है ये इसके आगे मतलब दांतों तले अंगुली चबा रही है जो इसकी टेक्निक थी उस समय की। जितना ये जो आप देख रहे हो मेन डोर जो देख रहे हो, हाँ जी, इसमें एक भी कील नहीं है, नील नहीं है एक भी, ये सब इंटरलॉक हो रखे हैं। जी 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 जी। अहमदाबाद से अपना एक आर्किटेक्ट स्कूल के बच्चे आए थे, उन्होंने इसे पूरी रिसर्च की हुई है, 1 महीना पूरा बच्चे यहाँ बैठे थे, 20-25 बच्चे, उन्होंने पूरा इसका आर्किटेक्ट बनाया हुआ है। सब इंटरलॉक, कुछ नहीं है इसमें, नील्स नहीं है इसमें, विदाउट नील्स बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम सर? अंशुमान सिंह। अंशुमान सिंह जी, और बहुत ही खूबसूरत देखिए दोस्तों, मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। आप लोग कहाँ से रह गए जी? ये जो राजा होते थे सर, हाँ, ये किसी टाइम पे जो कह रहे थे अभी भाई साहब की 250-300 साल पुराना मकान है, हाँ, तो जो यहाँ राजा होते थे ये पूरी जमीन उनके अंडर होती थी। अच्छा, पूरी जमीन इनके अंडर में होती थी। देख रहे हो आप इधर को, तो काफी इधर हो गए, इधर आइए। हाँ, ये किसी टाइम राजा के अंडर ही रहते थे। हाँ, पूरे ये जो यहाँ के राजा रहते थे जिनके बारे में बताया, तो उन्होंने ये जमीनें कुछ तो बेच दी। अच्छा, कुछ पोटैटो फार्म वाले ले ली। हाँ, तो कहते हैं कि किसी टाइम ये राजा का ही पूरा इसमें स्वराज्य होता था, ये राजा की जमीन होती थी और इसमें अनाज उगाते थे, जितने भी इलाके के लोग थे यहाँ पे कमाने आते थे राजा। अच्छा, ये लगभग कितने साल पुराना होगा? कम से कम 500 साल पुराना होती है। अच्छा, 500 साल पुराना, और आज भी ये नए जैसे दिखता है? वैसे ही दिखता है जैसे है, इसको मेंटेन के लिए स्पेशल बंदा लगाया होता है। अच्छा, ये जो दो तीन अंदर जो परिवार रहता है वो राजा के रिश्तेदार है या अलग से खरीद रखा है? नहीं नहीं, राजा के रिलेटिव है इसमें, क्योंकि इसमें अभी भी ऐसा है जो राजा है ना जी, राजाओं के साथ हमारे देवता जी भी साथ रहते हैं। अच्छा, राजा का पद देवता तक का बराबर होता था। अच्छा, तो ये इसी में ही देवता का निवास है। कितने परिवार हो गए लगभग ये अंदर? अब काफी लोग है, कोई तो यहाँ से बाहर भी चले गए जैसे सोलन में है या कहीं और है, फिर कुछ लोग यहाँ रहते हैं। हाँ, तो बाकी तो इसी के सारे चौकीदारों के अंडर यही है सारा। हाँ, आपको खास बात क्या लगी इस महल में? खास बात तो यही है सर कि ये जो है ना, ये चीजें आज के जमाने में देखने को नहीं मिलती है। हाँ, वो तो जो भी है ये चीजें लुप्त होती जा रही है। हाँ, ये थोड़ी बहुत चीजें हिमाचल में कहीं अपर शिमला में देखने को मिलेगी आपको। हाँ, बाकी तो ये मैक्सिमम खत्म होती जा रही है, और ये बचनी चाहिए ये जो चीजें है। हाँ, लोग विदेश से भी आते होंगे देखने के लिए, बहुत फेमस है अलग अलग जगह से, वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, लोग तो आनंद लेते हैं यहाँ पे आके इस चीज़ों का। ठीक।